स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में जानना ये ज़रूरी है कि ये एक अरेंजमेंट है, ये एक तरह का डिवाइस नहीं है, ये एक अरेंजमेंट है जिससे हम रेजिस्टेंसेस को कंपेयर या किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। देखते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है और इसे कैसे हम दिखाते हैं, कैसे हम एग्ज़ाम में प्रूफ करते हैं और इस पर कैसा क्वेश्चन आ सकता है। देखते हैं, सपोज नाउ वी हैव टू रेजिस्टेंसेस पी क्यू आर एंड एस। वी हैव टू रेजिस्टेंसेस पी क्यू आर एंड एस। इट इज़ कनेक्टेड विथ अ गैल्वेनोमीटर, इट इज़ कनेक्टेड विथ अ गैल्वेनोमीटर एंड अ सेल ऑफ ई एम एफ ई एंड अ सेल ऑफ ई एम एफ ई। चार रेजिस्टेंसेस पी क्यू आर एंड एस जो कि एक गैल्वेनोमीटर से और एक सेल से जिसकी ई एम एफ ई है से इस तरह से अरेंज कर दिया था। मैंने बताया ये एक स्पेशल काइंड का अरेंजमेंट है जो कुछ क्वेश्चंस में ही अप्लीकेबल है, हर एक क्वेश्चन में हम इस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते। ए बी सी एंड डी आर द पॉइंट्स। सपोज करते हैं करंट आई फ्लो हो रही है हमारे सेल से और जब वो ए पर पहुंचती है इसे दो रास्ता मिलता है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। सपोज करते हैं इस तरफ करंट आई वन जा रही है तो बाकी बची करंट मतलब आई माइनस आई वन विल पास थ्रू आर। सी अगेन व्हेन आई वन रीचेस टू हियर, जब आई वन बी पर पहुंचती है इसे दो रास्ता दिखता है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। मान लिया गैल्वेनोमीटर में जिसकी रेजिस्टेंस आर जी है आई जी करंट फ्लो हो रही है, जब आई जी करंट इसमें फ्लो हो रही है आई वन करंट यहाँ से यहाँ पहुँची और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है आई जी, इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है आई जी। तो इस कंडीशन में जो बचा करंट यानी आई वन माइनस आई जी वो क्या होगा, वो हमारा जो है इस वाले आर्म से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब वो यहाँ पर पहुँचता है इधर से आई जी करंट आ रही है, इधर से आई माइनस आई वन करंट आ रही है, इस कंडीशन में क्या होता है जब यहाँ पर पहुँचते हैं आई माइनस आई वन प्लस आई जी, आई जी इधर से आ रही है आई माइनस आई वन इधर से आ रही है, जब दोनों कंबाइन करेगी तो टोटल करंट आई माइनस आई वन प्लस आई जी जो फ्लो होगी इस वाले आर्म से, और जब यहाँ पर पहुँचती है इधर से ये वाली करंट इधर से टोटल ये करंट, जब टोटल हम ऐड करते हैं तो आई करंट फिर वो सर्किट में सेल के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर जाती है। अब आगे देखते हैं, इस सारे अरेंजमेंट में ये कहा जाता है कि हमारा जो सर्किट बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड मीन्स इफ देर इज नो करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, बैलेंस सर्किट मीन्स इफ देर इज नो करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो अब देखते हैं क्या होता है, अगर गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं होता है तो हमारा एक कंडीशन आएगा P by Q is equal to R by S और P by R is equal to Q by S, चाहे आप ये ले सकते हैं चाहे आप ये ले सकते हैं, P by Q R by S यानी इस दोनों का रेशियो और इस दोनों का रेशियो इक्वल होगा या P by R और Q by S इसका रेशियो हमारा सेम होगा। अगर ऐसा कंडीशन आता है देन इट इज सेड ब्रिज इज बैलेंस्ड, इट मीन्स सर्किट इज बैलेंस्ड। अब देखिए इसे प्रूफ कैसे करते हैं, पहले हम सर्किट लेते हैं ए बी डी ए, ए बी डी ए इसमें क्या देखते हैं आई वन इंटू पी, हम किरचॉफ्स के लूप लॉ से चलाना सर्किट को चलाना स्टार्ट करते हैं, आई वन इंटू पी आई जी इंटू आर जी प्लस आई जी इंटू आर जी, जब डी पर पहुंचे जब इस तरफ मूव करते हैं करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में इस तरफ है और हम मूव इस तरफ कर रहे हैं नहीं हमारा डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए आई माइनस I1 into R, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। अगेन फ्रॉम सर्किट BCDB फ्रॉम सर्किट BCDB दूसरे सर्किट पर देखते हैं, इसमें करेंगे कितना है आई वन माइनस आई जी, आई वन माइनस आई जी इंटू क्यू। अब इस तरफ मूव करते हैं चूंकि करंट का डायरेक्शन इधर है हम इस तरफ मूव कर रहे हैं माइनस आई माइनस आई वन प्लस आई जी I माइनस आई वन प्लस आई जी इंटू एस, फिर इस R में देखते हैं हम लोग करेंट इधर मूव कर रहे हैं हम अपोजिट मूव कर रहे हैं आई जी इंटू आर जी माइनस आई जी इंटू आर जी इज इक्वल टू वाट जीरो, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब देखते हैं ब्रिज बैलेंस तभी माना जाता है जब गैल्वेनोमीटर से करेंट ना हो, इट मीन्स आई जी इज इक्वल टू जीरो, तो आई जी इज इक्वल टू जीरो लेते हैं, इफ आई जी इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग आई जी जीरो हो गई, ये वैल्यू हमारी टोटली जीरो हो गई, आई वन पी ये माइनस है जब उस तरफ जाएंगे इज इक्वल टू जीरो करना है यहाँ पर इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन फर्स्ट, जब ये
ये टर्म हमारी जीरो हो चुकी है, जब हम इसे उस तरफ मूव करेंगे आई वन पी इज इक्वल टू आई माइनस आई वन इंटू आर, दिस इज इक्वेशन ए। एंड अगेन फ्रॉम दिस इक्वेशन आई जी जीरो एंड आई जी जीरो, सो इट वे बी आई वन इंटू क्यू इज इक्वल टू, उसे उस तरफ ले जाते हैं आई माइनस आई वन इंटू एस, इक्वेशन बी। अब ए अपॉन बी कर दीजिए आप, अब ए अपॉन बी कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, आई वन पी आई वन क्यू इज इक्वल टू आई माइनस आई वन इंटू आर टोटल अपॉन आई माइनस आई वन इंटू एस, आई वन कैंसिल आउट, व्हाट वी ऑब्जर्व, पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाय एस, पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाय एस, यही मैं प्रूफ करना था। इट मीन्स अगर ऐसा कंडीशन आता है कि अगर दोनों का रेशियो इस वाले का और इस वाले दोनों का रेशियो अगर सेम होता है तो ब्रिज हमारा बैलेंस माना जाएगा, मतलब इस गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो इस मीन्स अगर ऐसा सर्किट हमारा कुछ आता है जिसमें फोर रेजिस्टेंसेस का रेशियो सेम होता है तो बीच वाले सर्किट को हमें रिमूव कर देना है, उसके बाद जो होगा हमें कैलकुलेशन करके उसका आंसर निकाल देंगे। थैंक यू।